तक समझ में आया? पूरा वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस बी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी प्लस वन. तो यहीं से हिंट मिल रहा था कि इन दोनों को ले लिया एलसीएम, एक्स माइनस सी न्यूमरेटर हो गया सी प्लस एक्स माइनस सी, सी सी कैंसिल एक्स अपॉन एक्स माइनस सी, बाकी दोनों टर्म वैसे ही लिखे हैं. फिर नेक्स्ट टू का एलसीएम लिया है और वो बहुत सिंपल एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, तो यहाँ तो बी एक्स रहेगा प्लस ये होगा एक्स इंटू एक्स माइनस बी. अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेम लिख देना है. फिर देख रहे हैं बी एक्स कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, फिर से एलसीएम ले लिया तो एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए और ब्रैकेट एक्सपेंड किया फिर से ए एक्स स्क्वायर कैंसिल्ड आउट. तो बहुत सिंपल सा आया है वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी. ओके, एंड अब हम लोग देखेंगे कि प्रूफ क्या करना था. तो जो प्रूफ करना है वो है वाई डैश अपॉन वाई इक्वल्स टू दिस. अच्छा वाई डैश अपॉन वाई किसका डिफरेंसिएशन है, तो ये हम लोगों को पता है इसका मीनिंग है 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स विच इज द डिफरेंसिएशन ऑफ लॉग वाई. तो इससे भी हिंट मिल रहा है कि वी हैव टू टेक लॉग बोथ साइड, है ना. और दूसरी क्योंकि लॉग वाई लेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा लॉग एक्स क्यू अपॉन एक्स माइनस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी. और दूसरी दिमाग में रखना भी चाहिए कि जब भी इतना बड़ा टर्म है तो इसमें क्वेश्चन रूल का कोई फायदा ही नहीं होगा. क्यों भाई, बहुत बड़ा पड़ेगा वो तो. डिनोमिनेटर में देखो एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी होल स्क्वायर आएगा, वो भी बहुत टफ है. तो इसलिए सीधी सी बात करें टेकिंग लॉग बोथ साइड लॉग वाई इक्वल्स टू, अब यहाँ पे लॉग ए बाई बी है तो लॉग ए बाई बी इक्वल्स टू लॉग ए माइनस लॉग बी यूज कर लो, तो लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स क्यूब माइनस लॉग एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी. इज दैट क्लियर यू? इक्वल्स टू फिर से थ्री हो गया. इसमें फर्स्ट टर्म में कौन सा फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, ये हो गया लॉग ए टू द पावर एम इक्वल्स टू एम लॉग ए. ओके, एंड सेकेंड टर्म में लॉग ए बी सी इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी हो गया. ठीक है भाई, तो वन बाई वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डिफरेंसिएशन ऑफ थ्री लॉग एक्स हो गया थ्री बाई एक्स माइनस डिफरेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स माइनस ए वन अपॉन एक्स माइनस ए प्लस वन अपॉन एक्स माइनस बी प्लस वन अपॉन एक्स माइनस सी. और थ्री बाई एक्स को लिख दिया जाए वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स. ये क्यों, कहीं भी हम लोगों को प्रूविंग में थ्री नहीं लाना है. और एक चीज और कि वन बाई एक्स जरूर लाना है सब में, है ना. तो प्रूविंग की तरफ बढ़ना है अगर तो क्या किया जाए, है कोई और आइडिया इसके बाद? अगर हम यहाँ पे वन बाई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस ए को साथ ले ले, इनमें एलसीएम लेंगे तो आएगा क्या एक्स इंटू एक्स माइनस ए. इज दैट क्लियर टू यू? और न्यूमरेटर आएगा एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस, इन दोनों में भी वही कहानी है, इसको वन बाई एक्स माइनस वन अपॉन ये एक्स माइनस बी साथ में लिख देंगे तो इसका भी एलसीएम है एक्स इंटू एक्स माइनस बी एंड न्यूमरेटर इज एक्स माइनस बी माइनस एक्स. एंड नेक्स्ट इज अगेन थर्ड वन बाई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस सी. तो जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग वन बाई एक्स भी तीनों में आ जाएगा, वो कॉमन भी हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर. क्या उसमें देख रहे हो वन बाई एक्स है पूरे में कॉमन, उसके लिए होना तो चाहिए तीन टर्म में वन बाई एक्स. तो ले आए भाई, तो अब बहुत आराम से देख रहे हैं एक्स कैंसिल माइनस ए अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस ए प्लस एक्स कैंसिल माइनस बी अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस बी प्लस एक्स कैंसिल माइनस सी अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस सी इक्वल्स टू माइनस से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर को करेंगे प्लस ए हो गया, डिनोमिनेटर को करें तो एक्स माइनस ए हो गया माइनस एक्स प्लस ए मीन्स ए माइनस एक्स. दूसरे में बी अपॉन एक्स इंटू बी माइनस एक्स प्लस सी अपॉन एक्स इंटू सी माइनस एक्स. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और इस साइड है डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स होता है वाई डैश अपॉन वाई इक्वल्स टू वन बाई एक्स कॉमन ए अपॉन ए माइनस एक्स प्लस बी अपॉन बी माइनस एक्स प्लस सी अपॉन सी माइनस एक्स. हेंस कूल. इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Understood, everyone? Yes, sir. Yes, sir.
फिर नेक्स्ट भी बताएं, पहले इतने करोगे अपने आप, बताओ भाई। सीट पूरी डिस्कस होते ही टेस्ट होगा पूरे डिफरेंशिएशन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है ना? यस सर। टेंथ क्वेश्चन क्या है भैया, नहीं आया? छापना है कि कर लोगे अपने आप? सर कर लेंगे। टेंथ आ गया ना, पूछना है बताओ भाई। यस सर। क्या नहीं आया? अच्छा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है उसमें, देख रहे हो कितना है? क्वेश्चन पढ़ दो जरा। रूट रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू ई टू द पावर टेन वाई बाय एक्स। क्या है? रूट एक्स टेन इनवर्स वाई बाय एक्स क्या हो गया? नहीं पूछना है? पूछना है सर। बोलो तो भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। थोड़ी अब आ रही है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस आनी चाहिए ना, हमने तो तुमसे पूछा ही था पहले ही बोलने। रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर टेन वर्स वाई बाई एक्स। तू क्या करना है? फाइंड वाई। वाई डबल डैश ऑफ जीरो। यस। डबल डैश का मीनिंग होता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, क्या होता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर? एंड जीरो का मीनिंग एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। इसका मीनिंग क्या होता है? फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। अब कर लोगे? यस सर। एक्स की वैल्यू मतलब जीरो रख देंगे। अच्छा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन बाय टू रूट एक्स। x की वैल्यू जीरो रखोगे जो भी आंसर आएगा उसमें, पहले डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। इसका क्या हो गया? वन बाई टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स के प्लेस पे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, इक्वल्स टू ए इंटू ई टू द पावर एक्स, तो यही हो गया सीधा सीधा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स हो गया वन अपॉन वन प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? लेकिन अभी भी प्रॉब्लम yes, क्या वाई बाई एक्स है एक्स के प्लेस पे, तो हमें करना पड़ेगा डी बाई एक्स ऑफ वाई बाई एक्स। ओके, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड किया हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। देख रहे हो इस ब्रैकेट में टू कॉमन है, बाहर ले लो। डिनोमिनेटर में भी टू है, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में करना एक साथ, एक काम ना दो काम ना कर। एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स y by x into 1 upon 1 plus y square by x square into this d by dx of y by x means denominator into differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator, quotient rule use kar liya, over square of denominator. Understood everyone? Yes sir. To find out 1 upon root x square plus y square into x plus y into dy by dx equals to this a into e to the power 10 inverse 1 by x from equation number 1
कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन दिस, है ना, सरल हो जाएगा थोड़ा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन टू, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यस सर, एक्स स्क्वायर तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब यहां पे देख रहे हो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, पहले डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट ले तो एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड आउट ना, अरे बात समझ में? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको अगर इधर ले आए तो ये भी डिनोमिनेटर में आएगा, वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इधर भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, बचा है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बस, तो बचा ही क्या फिर? x plus y into dy by dx equals to x into dy by dx minus y and it implies dy by dx वाले एक साइड ले लो, तो y into dy by dx minus x into dy by dx equals to ये x is transferred to right hand side minus x minus y, take dy by dx common, so y minus x into dy by dx equals to minus common x plus y, it implies dy by dx equals to minus x plus y upon y minus x, multiply denominator with minus 1, so dy by dx equals to x plus y upon x minus, x minus. Is that clear to you? Yes sir. Yes sir. Yes sir. और हमें तो d2y by dx square find करना है, याद है? अभी आगे पाएंगे, तो अब फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए जहां तक अपना आ गया है, ठीक है ना? समझ में आ रही बात सबको? नहीं आ रही? यस सर। तो जो ये dy by dx है इट इज इक्वल टू कितना आया है? x plus y upon x minus y, x plus y upon x minus y, ओके। So dy by dx equals to x plus y upon x minus y, find करना है क्या? d2y by dx square, okay? Differentiating again, है ना? With respect to x both sides. So denominator कितना है भैया? x minus y into differentiation of numerator, x का हो गया 1 plus y का differentiation हो गया dy by dx, is that clear to you? माइनस न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एक्स प्लस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स ओवर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। और अब इसमें ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो ऊपर से, क्या है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू, चल दिए भैया आगे, वन माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ओके इक्वल्स टू, सॉरी ओवर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर इज स्टिल एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, अब आ गया एक्स माइनस वाई इंटू डिनोमिनेटर का एलसीएम है एक्स माइनस वाई, न्यूमिनेटर हो गया x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डिनोमिनेटर इज एक्स माइनस वाई, न्यूमिनेटर इज एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, अंडरस्टूड? माइनस वाई कैंसिल्ड आउट, वाई विल बी कैंसिल्ड आउट, एक्स प्लस एक्स टू एक्स माइनस, इसमें बचेगा एक्स प्लस वाई ऑन माइनस वाई इंटू, यहां भी एक्स एक्स कैंसिल हो गया माइनस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ओके। और भी सिंप्लीफाई करेंगे, ये एक्स माइनस वाई आ गया डिनोमिनेटर में,
एक्स माइनस वाई होल क्यूब एंड टू एक्स इंटू एक्स माइनस वाई माइनस माइनस प्लस टू वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज दैट क्लियर यू इक्वल्स टू एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई होल क्यूब टू एक्स वाई कैंसिल्ड आउट हो गया टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई होल क्यूब विच इज द वैल्यू ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज दैट क्लियर यू अब हमें फाइंड करना है इसको एट एक्स इक्वल्स टू जीरो है ना ओके तो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो यहां पे देख रहे हो y बचेगा तो y को निकालने के लिए इक्वेशन वन में भी x इक्वल्स टू जीरो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा बस समझ में इससे y की वैल्यू आएगी एट x इक्वल्स टू जीरो है इक्वेशन क्या है फ्रॉम इक्वेशन वन क्या थी कहानी अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू e टू द पावर 10 इनवर्स y by x and at x equals to 0 तो यह root 0 y square equals to e to the power 10 inverse y by 0 means infinity ना तो वो होता है 10 inverse infinity कितना होता है not defined होता pi by 2 so e to the power pi by 2 is that clear you y equals to आ गया सर a भी होगा हाँ सर a into e a भी लिख दो a होगा a into e ठीक लिख गया ओके सो y इक्वल्स टू a इनटू e टू पावर 5 बाय 2 ओके एंड x तो 0 है तो सब्स्टिट्यूट कर दो तो d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इनटू x स्क्वायर हो गया 0 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया a स्क्वायर इनटू e टू द पावर 5 अपॉन x माइनस y हो गया 0 माइनस e टू द पावर 5 बाय 2 होल क्यूब ओके equals to 2 a square e to the power pi a भी a है ना upon minus a cube e to the power 3 pi by 2 तो हो गया minus 2 by a into e to the power minus pi by 2 is the answer is that clear to you yes sir थोड़ा छोटा हो सकता था कि जैसे हम लोग यहीं पे निकाल लेते dy by dx की वैल्यू है ना एट x इक्वल्स टू जीरो तो क्या आती है माइनस वन आ जाती क्यों यस सर और फिर जो नेक्स्ट लाइन में हमने क्या निकाला डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला था इधर ये वाला है ना इसमें दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो क्या नहीं और ऊपर किया था ये जो यहाँ पे हरी बात समझ में तो y by dx square at x equals to 0 है वो क्या हो जाएगा x minus y x तो 0 है और y की वैल्यू भी बताई कितनी है a into e to the power 5 by 2 है ना और dy by dx की वैल्यू अपने पास माइनस वन आई है yes, sir. जब इसमें सब्सटीट्यूट करोगे तो ये पहले वाला टर्म 1 plus dy by dx 0 हो गया अरे बात समझ में माइनस ये हो गया जीरो प्लस ई टू दावर फाइव बाई टू ये सीधे सीधे ए इंटू ई टू पावर फाइव बाई टू है ना और यहाँ पे वन प्लस वन हो गया टू ओके अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स हो गया जीरो माइनस वाई कितना आया भाई ई टू दावर फाइव बाई टू होल स्क्वायर ओके माइनस टू ए टू दावर फाइव बाई टू अपॉन डिनोमिनेटर में हो गया e टू द पावर 5 इज दैट क्लियर टू यू क्या क्या माइ ए भी है ना ए स्क्वायर क्यों भाई तो ये 2 बाई ए e टू द पावर आ गया माइनस 5 बाई 2 विच इज द आंसर इज दैट क्लियर टू यू यस ये ज्यादा जल्दी हो जाता क्यों भाई समझ में नहीं आया लेकिन कभी कभी ऐसा बहुत कठिन पड़ जाता है इसलिए ये मेथड भी अपने आना चाहिए लास्ट तक सॉल्व करने का ठीक है सबको समझ में आ गए सारे क्वेश्चंस यस सर करो अपने आप आगे वाले भी ट्राई करो है ना किए थे कि नहीं किए थे ट्राई यस सर